नमस्कार दोस्तों, आप सभी का औषधि एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भृंगराज, भृंगराज आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में। यह जो दोस्तों जड़ी बूटी है बहुत ही गुणकारी है। इसमें जो है औषधि गुण बहुत ही अधिक मात्रा में मौजूद है। इसे जो है आयुर्वेद में बहुत वर्षों से दवाइयों को बनाने में यूज किया जाता है। इसका जो है पाउडर बनता है, इसका तेल बनाया जाता है, इसका यूज करके। आज के इस वीडियो में जो है हम आपको भृंगराज के बारे में जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपको इस चैनल पर रोज़ाना दवा से संबंधित जानकारियाँ मिलेगी। दवा से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भृंगराज का पौधा जो है आपके आसपास अगल बगल जहां पर पानी ज़्यादा लगे होते हैं वहां पर आपको दिखाई देगा। यह दोस्तों बहुत ही अच्छा औषधि गुणों से भरपूर पौधा है। इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है किसका जो यूज है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो बस केवल इसे घास समझकर फेंक देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह जो पौधा है बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही चमककारी पौधा है। भृंगराज का जो है फूल वाइट रंग का, सफ़ेद रंग का होता है। यह जो है दोस्तों आपके आसपास जंगल झाड़ियों में मिल जाएगा। इसे जो है केशराज के नाम से भी जाना जाता है संस्कृत में। और इस पौधे को जो है लैटिन नाम एक्लिप्टा एल्बा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका जो यूज है पाउडर के रूप में, इसका जो है तेल बनाकर यूज किया जाता है। इस पौधे का यूज किन रोगों में किया जाता है या किन रोगों के लिए लाभकारी है उसके बारे में जान लेते हैं। यह पौधा दोस्तों बालों के गंजापन को दूर करता है। इसके पत्तियों का पेस्ट बनाकर तेल के साथ मिलाकर अगर आप बालों की जड़ों में लगाए 4 से 5 घंटे तक, उसके बाद आप किसी अच्छे शैम्पू से अपने बालों को धो लें, ऐसा अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार करते हैं तो आपकी जो है गंजेपन की समस्या खत्म हो जाएगी। भृंगराज का जो है आप तेल अगर अपने बालों में लगाते हैं तो बालों का सफ़ेद होना दूर हो जाएगा, बालों को जो है झड़ने से रोकता है, बालों को टूटने से रोकता है और आपके बाल जो है मजबूत हो गए, काले हो गए, घने हो गए, अच्छे हो गए। आप अगर इसका यूज करेंगे तो आपकी यह समस्या खत्म हो जाएगी। भृंगराज के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके पाउडर को आप दिन में 2 बार सुबह शाम सेवन करेंगे तो आपकी जो है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। आपका शरीर जो है रोगों से मुक्त रहेगा, रोगों से दूर रहेगा। दोस्तों, भृंगराज के अंदर जो है बहुत ही अधिक मात्रा में पोषण तत्व मौजूद होते हैं जो कि कफ एवं वात रोगों को कम करने का काम करता है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी गुण होता है जो फैटी लीवर, पीलिया रोग से जुड़ी समस्या में बहुत ही फायदेमंद होता है। भृंगराज के पाउडर को जो है पानी के साथ आप सेवन करें, आपकी जो है फैटी लीवर की समस्या हो या फिर पीलिया रोग की समस्या हो दूर हो जाएगी। त्वचा पर कहीं भी कट गया हो, छिल गया हो, चोट लग गया हो, भृंगराज की पत्तियों का पेस्ट बनाकर उस पर थोड़ा सा तेल मिलाकर आप कटे हुए जगह पर लगाएंगे तो आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। भृंगराज जो है कब्ज, अपच, पेट से जुड़ी समस्या में भी बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, भृंगराज का अगर आप सेवन करेंगे तो आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।